Hello everyone, welcome back to Prachikas. I hope you all are doing very well. So, आज की वीडियो में मैं कोई मेकअप लेकर नहीं आई हूँ. That's right. आज की वीडियो में I'm not talking about makeup. But I will be talking about few things that I do before makeup. Like आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी है उसमें आपने नोटिस किया होगा मैं हर मेकअप से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करती हूँ. एंड आई एम प्रिटी श्योर आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा लाइक वाई क्यों फॉलो करती हूँ मैं ये बेसिक रूटीन. लाइक हर वीडियो में सेम रूटीन क्यों फॉलो करना है मुझे. मैं अपना मेकअप बिना इन सब स्टेप्स के भी तो स्टार्ट कर सकती हूँ. लाइक फेस वॉश किया फाउंडेशन लगाया देन आई एम गुड टू गो. बट नहीं मैं हर स्टेप फॉलो करती हूँ आराम से टाइम देकर. सो देर हैज़ टू बी अ रीज़न राइट. आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आई बॉट दिस वीडियो. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज CTM एंड व्हाई वी शुड ऑलवेज डू इट. और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जब आप मेकअप करें आपको सिर्फ तभी CTM करना है. आप इसको लाइक डेली रूटीन का पार्ट भी बना सकते हैं जैसे मैंने बना रखा है. सो मैं जब भी अपना फेस वॉश करती हूँ वंस और ट्वाइस अ डे मैं तब ज़रूर करती हूँ CTM. तो CTM है क्या. CTM स्टैंड्स फॉर क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. ये तीन बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने ही करने हैं. इसके बिना हमारा मेकअप बहुत बेकार हो जाता है. ट्रस्ट भी मैंने बहुत बार ट्राई किया है. लाइक अगर आप खुद भी देखेंगे ना CTM फॉलो करने के बाद मेकअप कैसा निकल के आता है और बिना CTM के बाद कैसा मेकअप हो जाता है यू विल फील द डिफरेंस. आपकी स्किन पे मेकअप बहुत अच्छे से सेट होगा बहुत नेचुरल फील होगा एंड इट रियली प्रोटेक्ट्स योर स्किन एज वेल. फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग. हम हमेशा अपना मेकअप क्लीन फेस से ही स्टार्ट करते हैं. अगर हमारे फेस पे ऑलरेडी डर्ट एंड ऑयल है तो जो भी मेकअप अपने फेस पे लगाएंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा या फिर स्किन से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा. सो हमें फेस क्लीन करना है विद अ वेरी माइल्ड फेस वॉश. एंड रिमेंबर गाइज हम अपने फेस पे कोई भी हार्श प्रोडक्ट जैसे सोप वगैरह यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की स्किन और हमारी फेस की स्किन बहुत डिफरेंट होती है. इट्स वेरी सेंसिटिव. इसीलिए हम सोप या कोई और बहुत हार्श प्रोडक्ट अपने फेस पे बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे. हम बहुत माइल्ड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ताकि हमारी स्किन का pH बैलेंस मेंटेन रहे. ऑल्सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको कोई जेल बेस्ड क्लेंजर यूज़ करने चाहिए. एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको मिल्क बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ करने चाहिए. मिल्क बेस्ड से क्या होता है वो ज़्यादा हार्श नहीं होते और आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करेंगे. सो द सेकेंड स्टेप इज़ टोनिंग. तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं रोज़ वाटर को एज अ टोनर कैसे यूज़ करती हूँ. यहाँ पर मैंने लिया है गुलाबरी का रोज़ वाटर एंड इसको मैं अच्छे से 7 to 8 hours फ्रीज होने के लिए रख दूँगी. सो गाइस टोनर का काम क्या होता है. टोनर का काम बेसिकली ये होता है कि जो क्लेंजिंग के बाद हमारे फेस पे ओपन पोर्स रह गए हैं उसे क्लोज करना. क्लोज तो नहीं करता है बट यार श्रिंक ज़रूर कर देता है. अब जब हमारे पोर्स श्रिंक हो जाएंगे तो हमारे फेस पे ऑयल प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. इससे हमारा फेस ऑयल फ्री लगेगा थोड़ी मैट लुक आएगी एंड मेकअप भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. सो इसीलिए हमें टोनिंग का स्टेप कभी स्किप नहीं करना चाहिए. जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके लिए लाइक थोड़े एल्कोहल बेस्ड टोनर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं. मैं यूजुअली तो बायोटिक का टोनर यूज़ करती हूँ बिकॉज आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन. बट ये रोज़ वाटर भी बहुत आराम से आप यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ यूनिवर्सल टोनर. और इसे फ्रीज करने के पीछे लॉजिक ये है जब हम कुछ ठंडा अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पोर्स बहुत अच्छे से श्रिंक हो जाते हैं. सो इट्स बेटर कि अगर आप टोनर है तो उसको या तो फ्रिज में रखें या फिर उसके आइस क्यूब्स बनाकर उसी को अप्लाई करें. नाउ द थर्ड स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग. टोनिंग के बाद हमारा फेस काफ़ी ड्राई सा हो जाता है इसलिए हमें मॉइस्चराइज करना उसे बहुत ज़रूरी है. अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमारी तो पहले से ऑयली स्किन है तो हम मॉइस्चराइज क्यों करें. सो बात ये है अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो आपकी स्किन अपने आप ही मॉइस्चर प्रोड्यूस करने लग जाएगी फेस पे जो इन दी एंड आपका मेकअप ख़राब कर सकता है. ऑयली स्किन के लिए आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो जेल फॉर्म में होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं. ड्राई स्किन के लिए आप मिल्क बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो क्रीम फॉर्म में होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं. द फोर्थ स्टेप इज़ सनस्क्रीन. एंड ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाहे आप घर से बाहर जा रहे हैं या नहीं आपको सनस्क्रीन तो लगानी ही चाहिए. द लास्ट स्टेप इज़ प्राइमिंग. मैं यहाँ पे स्टेक वर्की का पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. सो गाइस बेसिकली प्राइमर का काम क्या है जो हमारी स्किन होती है उसके और मेकअप के बीच में ये एक बैरियर क्रिएट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेकअप बहुत स्मूथ बना देता है. लाइक जो पोर फिलिंग प्राइमर है वो पोर्स को अच्छे से फिल कर देगा आपकी स्किन को बहुत इवन कर देगा एंड बहुत आराम से इसमें मेकअप सेट हो जाता है एंड ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है.
So after all these steps, your skin preparation is done and your skin is ready for makeup. इसके ऊपर आपको जो मेकअप अप्लाई करना है आप कर सकते हैं एंड बहुत ही स्मूथली वो सेट होगा, बहुत नेचुरल लगेगा एंड विल लास्ट लॉन्गर एज वेल. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड ये आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्राची गर्ल्स. मैंने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं तो आप मुझे वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय.